शरद, मैं तुमसे एक बात पूछूं, बस ऐसे ही। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं बोलो क्या बात। मुझे ये बताओ, जिस तरह हमारे घर में कमरे होते हैं ना, बेडरूम, बाथरूम, हॉल, किचन, क्या उसी तरह हमारे दिल में भी कमरे होते हैं? जैसे तुम्हारे लिए एक कमरा, बुआ के लिए एक कमरा, बच्चों के लिए एक। हाँ ऐसा होता है, तभी तो हम किसी को अपने दिल में जगह देते हैं या किसी के दिल में जगह बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम आज ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं शरद, आज मुझे मेरी बचपन की सहेली मिली थी। मेरी बिल्कुल खास सहेली होती थी उस वक्त। 20 साल पहले हम एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। हम मिल गए और एकदम स्कूल की दुनिया में खो गए। तब की हुई शरारतें, तब के देखे सपने, तब के हमारी फैशंस, सब कुछ वैसे के वैसे याद आ गया। और यकीन मानो उसे भी बराबर सब कुछ याद आ गया। अब कल तक जो मैं सोच भी नहीं सकती थी एकदम याद आ गया, जैसे मानो कल की ही बातें। ऐसा होता है सुधा, हमें कभी कभी लगता है कि हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारे दिल के किसी कमरे में स्टोर हो जाती है। और फिर जब कभी उससे कंसर्न व्यक्ति हमारे सामने आता है तो वो सारी बातें पूरी डिटेल्स के साथ सामने आ जाती है। अब इससे एक और रिलेटेड बात है, मेरी सहेली के पति मेडिकल रेप है। वो महीना में 15 दिन टूर पर रहते हैं, घर से बिल्कुल दूर। जब वो बंबई में है तो जिसे आदर्श पति कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे होते हैं। मेरी सहेली का ख्याल रखना, घर के काम में मेरी सहेली का साथ देना, बच्चों के साथ खेलना, उनका होमवर्क कराना, ऑल दोस थिंग्स। लेकिन जैसे ही वो टूर पर जाते हैं तो ना तो वो फोन करते हैं और ना ही उनके साथ मुलाकात के कोई चांसेस है मेरी सहेली के पास। अब आदमी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर सकता है क्या? मतलब जो ही वो शहर से चला गया, घर का कमरा जो है उसके दिल में, वो पूरी तरह लॉक करके जा सकता है क्या? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। व्हाई नॉट सुधा? देखो, वो एक पति और पिता होने के साथ साथ एक जिम्मेदार एम्प्लॉय भी है। जिस कंपनी ने उसे जिम्मा सौंपा है उसका काम पूरा करना उसका कर्तव्य है। आफ्टर ऑल वो उसकी रोजी रोटी है। अगर घर की कुछ चिंताएं उसके काम में बाधा बनती हैं तो फिर यह बेहतर है कि वो कुछ दिन के लिए उनसे दूर चला जाए, तभी तो वो अपना काम ठीक से कर पाएगा। यह तो हुआ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। तुम इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकती हो। मतलब अगर वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा हो तो इसका मतलब है दाल में जरूर कुछ काला है, यही ना? यू कुड से दैट। तो जो पति जानबूझकर अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हो तुम उसे क्या कह सकते हो? आई थिंक ही इज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल मैन। और अब देखो ना, हमारी चित्रा का पति, उससे शादी की, 4-6 महीने अय्याशी की उसके साथ, और फिर एक दिन एकदम गायब। पल भर के लिए भी नहीं सोचा कि उस बेचारी पर क्या गुजरेगी। और अब वो दूसरा नीच इंसान जो उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ गया, बेचारी सब कुछ अकेले भुगत रही है। पराए शहर में नौकरी की एग्जर्शन है, डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है। सच कहती हूँ शरद, अगर मुझे वो नीच इंसान कहीं मिला ना, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो अपनी पूरी अय्याशी भूल ही जाएगा। ये वादा रहा मेरा, देखना। Come on, sir. तुम इतना परेशान क्यों होती हो? देखो, साइकोलॉजी अपनी जगह ठीक है, लेकिन किस्मत भी तो कोई चीज होती है। हर इंसान को अपनी किस्मत के मुताबिक सुख और दुख भुगतना ही पड़ता है। फिर ना तो वो अपनी किस्मत का लिखा मिटा सकता है और ना ही उसे बदल सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? कि हर अन्याय को किस्मत का खेल मानकर हम उसे सहते रहे? मुझे तो इसे साफ इनकार है। जो आदमी किसी दूसरे के साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है, उसे बिल्कुल ठीक सजा मिल जानी चाहिए। काश ऐसा हो पाता सुधा। देखो, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक तुम्हारी तरह समझदार, जो दुनिया के नुक्स निकालकर
खुद को तकलीफ देते रहते हैं, और दूसरे मेरी तरह मूर्ख जो भगवान की तरफ देखकर जो हुआ उसे अपना नसीब मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब तुम ही बताओ कौन गलत हुआ और कौन सही। मतलब तुम एक बिल्कुल सही और बाकी सब कुछ। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझती हूँ शरद, लेकिन जिस तरह तुम हर बात को किसी तीसरे की नजर से देख सकती हो, मैं नहीं देख सकती। हर बात पर अपना सही रिएक्शन देना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। इसीलिए तो तुमने इकोनॉमिक्स चुना और मैंने साइकोलॉजी। कभी कभी तुम बिल्कुल अकल की बात करते हो शरद। गुड मॉर्निंग सर। अरे विश्वनाथ तुम? जी। भाई मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हूँ सर। वो आपने लेटर लाने के लिए कहा था, टाइप करके लाया हूँ। अच्छा अच्छा, और कैसी चल रही तुम्हारी टाइपिंग? ठीक। गुड। एक काम करना, इसे सुधा को दे दो। जी। बुआ? हाँ। जरा सुधा को बुलाना। अच्छा विश्वनाथ। प्रणाम माजी। कैसे हो? ठीक हूँ। सुधा जी कहाँ है? हाँ अभी बुलाती हूँ। सुधा देखो तो कोई तुमसे मिलने आया है, जल्दी आना। अरे विश्वनाथ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये लेटर था आपके लिए। अच्छा अच्छा, ये तुमसे देने को कहा था? नहीं, ये मैंने ही टाइप किया। सच? I don't believe this. और सारा मैटर शरद ने दिया था? नहीं, उन्होंने थोड़ा बताया था, फिर मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। ठीक तो है ना? कुछ मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लिखा है, I mean टाइप किया है। खासकर ग्रामर की तो एक भी गलती नहीं है, और तुम्हारा इंग्लिश भी बहुत अच्छा है। सिर्फ इस पहले पैराग्राफ के एंड में जी एक सेंटेंस ऐड करना होगा। मैं लिख लेता हूँ। हाँ जी बोलिए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू प्रेजेंट अ पेपर एट द सेमिनार SEMINAR सेमिनार ऑन सोशियो इकोनॉमिक SOCIO-economic developments during the last decade DECADE। ठीक है, मैं करके आपको शाम को वापस दे दूंगा। अरे मेरा एक और काम करोगे? हाँ बोलिए, क्यों नहीं। मेरे कुछ नोट्स हैं, कुछ 8-10 पेजेस के, जो मुझे यूनिवर्सिटी में सबमिट करने हैं, मेरे लिए टाइप करोगे? हाँ क्यों नहीं करूंगा, जितना करूंगा उतनी ही तो प्रैक्टिस होगी ना। लेकिन 8-10 पेज है तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी स्पीड उतनी नहीं है। नो प्रॉब्लम, मुझे वैसे कोई जल्दी नहीं है, 4-5 दिन में हो जाएगा तो ठीक है। हाँ हो जाएगा, मैं जाऊँ अभी। एक ये रहा। ये क्या है? टाइपिंग का। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है दीदी? देखो बार कराने से भी पैसा देती हूँ मैं, फिर तुम्हें क्यों नहीं? ठीक है, और चाय पी कर जाओ। हाँ जी। बुआ? हाँ। विश्वनाथ चाय पिएगा? हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हुई। ठीक है, बाय बाय। कहाँ हो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जिस घर में चोरी की थी ना, उसी घर से मेहनत की कमाई लेकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है आज। ऐसे ही खुश रहना। हाँ
इसी में हमें खुशी है जी। बहुत बड़े बंदा ये। हाँ कुछ और लाओ सर। हाँ वो तुम ग्रिल सैंडविच और कॉफी ले आना जब मैडम आएगी तो। जी सर। और एक कुक हमारा चेंज हो गया क्या? नहीं तो। सांभर में नमक कम है, इडली का टेस्ट भी पहले जैसा नहीं है। खैर ये ले जाओ। इसीलिए तो बाबूजी और बुआ जी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे डिशेस बनाकर खिलाए तुम्हें, जिसमें नमक भी ना कम हो और जिसकी टेस्ट बहुत अच्छी रहे। अच्छा तो शादी की बात तुम कर रही हो। भाई मेरा तलाक तो शादी के पहले ही हो जाएगा। क्यों 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 क्यों? अरे आज पहले दिन ही 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ा तो जिंदगी भर ये मुसीबत कौन लेगा? नो बाबा नो। वाकई शादी एक लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट है ना? शाम हो तो जल्दी घर वापस आओ, क्योंकि पति इंतजार कर रहा होगा, कभी ये तो कभी वो। माय गॉड पता नहीं बुआ जी और बाबूजी को हम दोनों की शादी का ख्याल कहां से आया। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। सुषमा मैं तो बाबूजी से तंग आ जाता हूं। नहीं मैं जानता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि उनके बेटे का घर बस जाए। आई अंडरस्टैंड हिज इमोशंस। ही फील्स कि अगर मैं शादी करूं तो मेरा घर बस जाएगा। बट आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि बगैर शादी किए हुए मैं अपना घर क्यों नहीं बसा सकता हूं। व्हाई? तुमने तो मेरी दिल की बात कह दीजिए। चलो इसी बात में मुझे एक ग्रिल सैंडविच और गर्मा गर्म कॉफी पिला दो, और बिल के पैसे भी तुम्हें देना। बिल की बात हम बाद में देखेंगे, वैसे आपका मनपसंद का ऑर्डर मैं पहले दे चुका हूँ। थैंक यू जय। यू नो मैं ये सोच रही थी कि बुआ जी और बाबू जी हमारी अच्छी खासी रिलेशनशिप को खराब करने में लगे थे। ए सुषमा तुमने वो कहावत सुनी है ना, ये घर में छोरा शहर में डिंडोरा। बिल्कुल। यू नो ये बाबूजी और बुआ जी को यही लगा होगा कि सुषमा और जय तो बाहर शादी करने वाले हैं नहीं, चलो हम दोनों ऐसा करते हैं कि खूब प्रेशर डालते हैं और इन दोनों की मन में ये बात जगा देते हैं और आपस में इन दोनों की शादी करा देते हैं। ए, सुन आजकल तो बाबूजी वो फुला के बैठे रहते हैं, न साथ में खाना खाएंगे न बात करेंगे, बिल्कुल बच्चों जैसी जिद लगा के बैठे हैं, शादी करो शादी करो शादी करो। You won't believe it, जय, आजकल बुआ जी भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही कर रही हैं। Really? उन दोनों के बस में चलता तो वो दोनों हम दोनों की शादी फिक्स करके मंडप में खड़ा करके ये कहते चलो साथ में ले लो। क्या उनकी इमेजिनेशन है। सुषमा मुझे सीरियसली एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऑन एन एवरेज सोशली हमारे इस समाज में एक अकेले आदमी की एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? व्हाई? एक हेल्दी रिलेशनशिप को लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? यू नो जय, अगर हम दोनों की फ्रेंडशिप ऐसे ही रही ना तो ये दुनिया वाले ये भी एक्सेप्ट करने लगेंगे। दुनिया वालों की तो बात छोड़ो, अगर बाबूजी और बुआ कर ले तो गनीमत है। अच्छा भाई अब तुम ये खाओ, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे? घबरा मत, बिल मैं पहले दे चुका हूँ। थैंक यू, लेकिन मैं अकेले रेस्टोरेंट में बैठ के कैसे खा सकती हूँ? अब तो आपको अकेले खाना पड़ेगा, 1.5 घंटे आप लेट जो है। मैं चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है। ओके और सुनो, हम दोबारा मिलेंगे और एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। हाय। करेंगे। बाय सी यू। टेक केयर। बाय। ओह माय गॉड, क्या हुआ? बुआ आपको पता है शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां थी। तो क्या बुआ, मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि उनके बच्चों पर क्या बीतती होगी। तुम उनके बच्चों की चिंता करना छोड़ दो और चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। बुआ मैं चिंता कैसे नहीं करूँ,
देखिए ना, अब एक मम्मी डैडी होकर इतना सारा कंफ्यूजन है घर में, तो सोचिए शिवाजी महाराज के यहाँ पे क्या हुआ होगा। शिवाजी महाराज का तो मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन तुम्हें मालूम है राजा दशरथ की भी तीन तीन पत्नियां थी और वो सब एक साथ सुख से रहते थे। उस जमाने में और आज के जमाने में बड़ा फर्क है। आजकल भावनाएं साफ ही नहीं है, इच्छाएं भी बढ़ गई है, लोग एक दूसरे की बात समझना ही नहीं चाहते। यही तो प्रॉब्लम है ना बुआ, कोई एक दूसरे की बात को समझना ही नहीं चाहता। मम्मी सोचती है कि मैं समझदार और इंटेलिजेंट हूँ, पापा सोचते हैं कि मैं समझदार और इंटेलिजेंट हूँ। वो बात नहीं है बेटा, अब तुम्हें कैसे समझाऊं। उस जमाने के लोग बहुत समझदार थे, एक दूसरे की बात का आदर किया करते थे, आजकल के लोगों की तरह एक दूसरे पर चिढ़ते नहीं थे और उनके व्यवहार में एक गरिमा हुआ करती थी। गरिमा? ये गरिमा कौन है बुआ? गरिमा मतलब गंभीरता, मतलब आजकल की पति पत्नी की तरह कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते नहीं थे वो लोग, उनमें हल्कापन नहीं था, इसीलिए आठ आठ पत्नियों के साथ रह सके। अब समझी? अब चुपचाप पढ़। लेकिन बुआ, लोगों को दो दो शादियां करने की जरूरत क्या है? ओफो, तू चुपचाप अपना पाठ याद कर वरना मम्मी आकर डांटेंगी। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना बुआ, मम्मी हर किसी को डांटती रहती है, वो सामने वाले की सुनती ही नहीं है, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करती है। अरे ऐसा नहीं है बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुझे कैसे समझाऊं, तू समझने लायक नहीं है अभी। ये कैसी बात कर रही है आप बुआ? मैं समझती नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ बुआ। एक ही छत के नीचे अगर पति पत्नी को प्यार से रहना हो तो लोग एक दूसरे को समझते क्यों नहीं है, हर छोटी सी बात पे क्यों झगड़ते रहते हैं बुआ? अगर उन लोग को झगड़ा करके अपना और अपने बच्चों का दिमाग खराब करना हो तो लोग अलग क्यों नहीं हो जाते बुआ? या तो फिर उससे शादी कर ले जिससे उनकी पत्नी हो। मैं तो शादी के बाद ऐसे ही करूंगी। ये क्या अनाप चनाप बके जा रही है तू? हाँ, इसीलिए मम्मी तुझको डांटती है, हमेशा अपने उम्र से ज्यादा बात करती है। चल चुपचाप पढ़। बुआ, जिस घर में मम्मी और पापा के बीच झगड़े होते हो उस घर में बच्चे ऐसी ही बातें करेंगे, समझी? आकांक्षा,